What nonsense! ये blank papers हैं. Divorce papers कहाँ हैं? Cool down baby, cool down. मेरे पास divorce के कोई papers नहीं हैं. ये तो बस एक चारा था. तुम्हें यहाँ बुलाने का और तुम्हें देखने का और तुम आ गई. क्योंकि जब तक दाना नहीं डालो ना, ये साली मछली ऊपर आती नहीं पानी के. और तुम आ गई. मैं जरा इमोशनल क्या हुआ? तुमने तो मुझे फिर से सीरियसली ले लिया. अरे तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे इतनी आसानी से डिवोर्स दे दूंगा? इतना शरीफ ज्यादा नहीं हूं मैं, हूं क्या? हम लड़कियां तभी तक इमोशनल होती हैं जब तक किसी को अपने दिल में रखती हैं. एक बार कोई दिल से उतर जाए तो हम उसके विनाश का कारण भी बनती है. तू मेरा विनाश करेगी, मुझे मारेगी, वो भी उस देव के साथ मिलके? तू कोई शेरनी वेरनी नहीं है, तू मेरी बीवी साबिया है. अरे बबलू शेख अब तक खाया और झूठन किसी को मुंह लगाने नहीं देता और तू तो मेरी बीवी है. मत कह अपनी गंदी जुबान से मुझे बीवी, क्योंकि तेरे जैसा इंसान ना बीवी शब्द का मतलब समझ ही नहीं सकता. क्योंकि तेरे तो घर में बहन को बीवी बनाकर छोड़ देने का चलन है. क्या बोला तूने? जुबान खींच लूंगा मैं तेरी. क्या हुआ? दिल मिला क्यों गया? घबरा क्यों गया? यही है तुम लोगों की सच्चाई, और इसी सच्चाई को सबके सामने लाने का बीड़ा उठाया है मैंने. अरे बच्चे की, पहले तक तो तू बोलेगी. इधर आ तू. माँ के रूप में इंसानों को जन्म देती है, तो देवी दुर्गा के रूप में शैतानों का संहार भी करती है. पत्नी के रूप में प्यार बांटती है, तो काली माँ के रूप में लहू पीती है. बहन के रूप में स्नेह लुटाती है, तो भवानी के रूप में सर्वनाश करती है. जब जब इस धरती पर औरतों के सम्मान के साथ खेला गया है, तब तब उस व्यक्ति का विनाश हुआ है. फिर वो रावण हो, दुर्योधन हो, या तेरे जैसा कोई बबलू शेख, ये तेरे जावेद भाई की बुरी नजर के लिए, ये तेरे अब्बू के कुकर्मों के लिए, ये तेरे धोखे के लिए. बबलू इकबाल शेख के नाम से क्यों बुला रहे? क्योंकि यही तो मेरा नाम है. पापा, हमने इसे मार दिया. साक्षी, तूने मारा नहीं है इसे, तूने इसका वध किया है. तू देवी है बेटा, और सनातन धर्म में देवी की पूजा होती है. पापा,